हाय, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे न्यू एज करियर ऑप्शंस जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और जिनके अंदर एक हाई अमाउंट जो है पे किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित शर्मा एंड मैं एज ए ट्रेनर एंड करियर कोच प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस चैनल के ऊपर बात करते हैं हम करियर कोर्सेज और कॉलेजेस की, और आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं 10 ऐसे करियर ऑप्शंस जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं। तो सबसे पहले यार बात करते हैं हम डाटा साइंटिस्ट का। देखिए, डाटा साइंटिस्ट जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो डाटा के साथ जुड़ा हुआ कोई करियर ऑप्शंस है। जितने भी इंटरनेट कंपनीज हैं आज की डेट में जो आज आपके डाटा का यूज़ कर रही हैं, चाहे किसी भी कंपनी का नाम ले लो, जो कि ई कॉमर्स कंपनीज हैं या ऑनलाइन कंपनीज हैं, वो सभी आपके डाटा का यूज़ करती हैं। और आज की डेट में जिसके पास जितना ज़्यादा डाटा है वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन वो डाटा जब कलेक्ट होता है या हम डाटा अपना देते हैं उनको, ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं देते लेकिन देते हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। तो उस डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे से यूज़ बनाना और उसका यूज़ करना, वो एनालाइज करना, वो काम करते हैं डाटा साइंटिस्ट्स। अब बेसिकली वो काम कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू, स्टैटिक्स के थ्रू, उसके थ्रू जो है वो उस डाटा का यूज़ करते हैं और अपनी सर्विसेज को बेटर बनाने के लिए या हमें सर्विस देने के लिए उस डाटा का वो यूज़ करते हैं। इस वजह से डाटा साइंटिस्ट का आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और इनको एक अच्छा खासा अमाउंट जो है पे किया जाता है। सेकंड नंबर पे हम कवर करते हैं UI एंड UX डिज़ाइनर्स। इंटरनेट के फ्लो के बाद बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस जो हैं लॉन्च हुई हैं, गेम्स, वेबसाइट्स, हर चीज़ जो है ऑनलाइन जा रही है। लेकिन एक यूज़र को एक्सपीरियंस देने के लिए, बोल सकते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन देने के लिए, किसी वेब ऐप का, किसी वेबसाइट का जो है यूज़र एक्सपीरियंस, या बोल सकते हैं उसका डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है UI और UX डिज़ाइनर्स की। जितनी वेब ऐप्स हैं उनके ह्यूमन बिहेवियर को समझ करके, लाइक हम किस तरीके से चीज़ों को देखना चाहते हैं इंटरनेट के ऊपर, या अपने ग्राफिक स्किल्स को लेकर के, क्रॉसिटी बोल सकते हैं, ये क्रिएटिविटी बोल सकते हैं, उन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक बढ़िया विजुअल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा रहा है। ये UI UX डिज़ाइनर्स का काम होता है और काफ़ी ज़्यादा पे भी इनकी रहती है आज की डेट में, और ये काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है ग्राफिक्स के लिए। थर्ड लेते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। देखिए, जो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, आज जैसे आपको पता है कि जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मार्केटिंग आज की डेट में चल रही है, वो सारी ऑनलाइन होती जा रही है, जब वो सोशल मीडिया हो, SEO हो, या ब्लॉग्स के थ्रू हो, या वीडियोस के थ्रू हो, तो उसके लिए जो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं वो हायर किए जाते हैं कंपनीज के अंदर, जो कि एक स्ट्रेटजीज बनाते हैं किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मतलब बिजनेस को प्रेजेंस दिलानी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो सारा काम डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का होता है और डिमांड भी इनका अच्छा खासा है। फोर्थ नंबर पर कवर करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। देखिए, जब से टिकटॉक आया और शॉर्ट वीडियोस का ट्रेंड चला, तो आपने सबने देखा होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं वो काफ़ी अच्छी ग्रो किया है जिन्होंने, और एक अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है सोशल मीडिया के ऊपर। अब ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का ज़रूरत बिजनेस को लेकर के कैसे है कि बिजनेस जो है वो अपने मार्केटिंग के लिए इन इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ करते हैं, चाहे स्पॉन्सर्ड हो, एफिलिएट के लिए हो, या फिर अपने प्रमोशंस के लिए हो, तो वहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का डिमांड भी बढ़ा और उस सेक्टर के अंदर एक फाइनेंशियली भी ग्रोथ हुआ है। तो अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग आप करना चाहो तो वो चीज़ भी कर सकते हो। सोशल मीडिया चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, चाहे यूट्यूब है, किसी के थ्रू भी आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो और एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वहाँ से अर्न कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे है ब्लॉकचेन इंजीनियर। अब ब्लॉकचेन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे होंगे जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज की डेट में या फ्यूचर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जो लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनको शायद पता होगा कि ये क्रिप्टो जो है ब्लॉकचेन के थ्रू ही काम करता है। जो ज़्यादा फेमस जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हुई वो बिटकॉइन के बाद 2099 के बाद जो है फेमस हुई थी, लेकिन आज की डेट में जितना बिटकॉइंस का या बाकी क्रिप्टो का है वो सारा ब्लॉकचेन के ऊपर ही चल रहा है। और ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा फेमस है। अगर ब्लॉकचेन के ऊपर आकर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा,
मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो ब्लॉकचेन इंजीनियर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं। इन फ्यूचर ये चीज़ें बैंकिंग सेक्टर में यूज़ हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, मेडिकल, मतलब हर वो चीज़ जहाँ पे डाटा है और ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ईजिली यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट लेते हैं हम सोशल मीडिया मैनेजर्स। देखिए सोशल मीडिया हैंडल्स जितने भी रहते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको जो है डिजिटल मार्केटर्स के थ्रू या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू जो है वो हैंडल किया जाता है। लेकिन उनके क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, किस तरीके से उनकी प्रेजेंस बनानी है, कौन सी चीज़ें कब यूज़ करनी है, कब एड्स लगानी है, वो सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया मैनेजर जो है हैंडल करते हैं। और पर्टिकुलरली सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए मैनेजर्स हायर किए जा रहे हैं कंपनीज़ के अंदर और उनके पे आउट्स भी अच्छे खासे हैं। नेक्स्ट इसके बात करते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट मैनेजर्स। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मार्केटिंग किया जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो कैंपेन लगते हैं जिससे बिजनेस को मार्केट किया जाता है, तो वो कैंपेन्स को कब चलाना है, किस टाइप से चलाना है, कितनी चीज़ें जो है किस क्या मतलब वीडियोज़ के थ्रू करना है, इमेजेस के थ्रू करना है, या किस तरीके से प्रेजेंस बनानी है अपनी वहाँ पर, वो एडवर्टाइजमेंट जो की जा रही है, कौन से पोस्टर्स यूज़ करने हैं, वो जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मैनेजर जो है यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों को। और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का एक और बेनिफिट है कि जो बिजनेसेस हैं उनको वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जा सकता है ईजिली, तो इसी वजह से इनका डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की। देखिए AI और ML का आप सबने नाम सुना होगा, कंप्यूटर साइंस के साथ काफ़ी फेमस हुआ है AI और AML, लेकिन इसके अंदर जो स्पेशलिस्ट है उनका क्या काम रहता है AI और ML टेक्नोलॉजी के अंदर। देखिए जितने भी न्यू एज सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज इंक्रीज हो रही हैं, तो वो बेसिकली इस तरीके से AI का जो यूज़ हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, तो वो ह्यूमन टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बिहेवियर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो क्रिएट किया जा रहा है, जिसके थ्रू जो ह्यूमन का काम कम हो रहा है। लेकिन फ्यूचर के जो एप्लीकेशंस हैं या रोबोट्स आगे फ्यूचर में आएंगे, या हर वो चीज़ जहां पे ह्यूमन टास्क कंप्लीट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, वहां पे AI ML का यूज़ हो ही रहा है और होगा भी। तो इसलिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के स्पेशलिस्ट हैं उनका डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस ऑप्शन के अंदर भी आप अच्छा खासा करियर जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसके अंदर प्रोफेशनल गेमर्स। अब देखो गेमिंग के अंदर आज की डेट में बहुत ज़्यादा करियर है, पबजी, फ्री फायर हो गया, क्लैश ऑन क्लैश, मतलब बहुत सारी गेम्स हैं जिनके अंदर प्रोफेशनल गेमर्स ने अच्छा करियर बनाया है, जो ऑफलाइन जो ग्राउंड्स के अंदर रहती हैं, आउटडोर रहती हैं और इनडोर रहती हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें इनडोर गेमिंग का, बहुत सारी जो गेम डेवलपमेंट कंपनीज हैं वो प्रोफेशनल गेमर्स को हायर करती हैं स्पेशली अपनी गेम्स के बग चेक करने के लिए, उनकी कोई चेंजेस करने के लिए, उनका विजुअल कैसा है, वो सारी चीज़ टेस्टिंग के लिए बेसिकली बोला जा सकता है प्रोफेशनल गेमर्स को हायर करती हैं और उनको एक अच्छा खासा अमाउंट जो है पे किया जाता है। इसी के साथ जो गेम्स के लेवल्स होते हैं उनको, उन सभी लेवल्स को क्लियर करने के लिए भी पे किया जाता है प्रोफेशनल गेमर्स को। तो गेमिंग कंपनीज के अंदर प्रोफेशनल गेमर्स की काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे जो है जो प्रोफेशनल गेमर्स का डिमांड जो है वहाँ पर टेस्टिंग के लिए यूज़ होगा ही होगा और अच्छा खासा अमाउंट वहाँ से अर्न कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज, लास्ट हम कवर करते हैं फूड स्टाइलिस्ट। अब फूड स्टाइलिस्ट बोलने में अजीब सा लग रहा है क्योंकि खाने की स्टाइलिंग को लेकर ये सारा करियर है, लेकिन यस ऐसा करियर ऑप्शन अवेलेबल है आज की डेट में, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू जिस तरीके से हम फूड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं उसमें जो है फूड्स का स्टाइलिंग होना ज़रूरी है, किस तरीके से फूड को प्रेजेंट करना है, इसके लिए जो है आपका क्रिएटिव नॉलेज और फोटोग्राफी का नॉलेज, या फूड के जो अपीयरेंस है कैसे फूड को सही तरीके से शो करना है, सामने प्रेजेंट करना है ऑनलाइन कैंपेन्स के लिए, वो चीज़ें फूड स्टाइलिस्ट करते हैं और इनको भी अच्छा खासा अमाउंट पे किया जाता है। ये जो काम करते हैं फूड स्टाइलिस्ट, ये फोटोग्राफर्स के साथ मिलकर के काम करते हैं ताकि एक बढ़िया इमेजेस या बढ़िया वीडियो जो है निकल करके आ सकें। इसके अंदर जो उनकी क्रिएटिव नॉलेज, फोटोग्राफी नॉलेज और फूड का अपीयरेंस का नॉलेज है, ये ग्रॉसरी जिसको बोल सकते हैं, वो यूज़ की जाती है। सो दोस्तों ये थे 10 न्यू एज करियर ऑप्शन जो कि फ्यूचर में और आज की डेट में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है और फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ लेने वाले हैं। तो अगर आप इनके अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप सो सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इनके ऊपर, कोई डाउट हो तो स्क्रीन के ऊपर आप नंबर्स मिल रहे हैं या सोशल मीडिया हैंडल्स मिल रहे हैं आपको, इनके थ्रू आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन जय हिंद।